और अब डलने जा रही है जीपीएलसी की आखिरी और निर्णायक गेंद। रन को रोकने के लिए मेहता साहब ने चंपक चाचा के आसपास काफी टाइट फील्डिंग लगा के रखी है। कुछ भी हो सकता है इस आखिरी गेंद में। अब सिर्फ एक गेंद बची है और जीतने के लिए 2 रन चाहिए। आसिफ भाई, आसिफ भाई नींद आ रही है? क्या नींद आ रही है, सो नहीं गया हूँ। ये कितना टेंशन चल रहा है मैच में, आखिरी बॉल है, मेरे से देखा नहीं जा रहा है। प्लीज मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मैं नहीं देख पाऊंगा। कोई बात नहीं, ओके, जैसी आपकी मर्जी। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैच बड़े ही रोमांचक मोड़ पर आ चुका है। दर्शकों, आप भी टेंशन में है, खिलाड़ी भी टेंशन में है, हम भी टेंशन में है और आसिफ भाई भी टेंशन में है। आइए देखते हैं आखिरी बॉल का क्या नतीजा निकलता है। टप्पू अपने ओवर की आखिरी बॉल डालने के लिए तैयार है। चंपक चाचा पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस वक्त क्रीज पर तैयार है और ये चंपक चाचा ने बल्ला घुमा दिया है और बॉल सीधा हवा में। दोनों चंपक चाचा और जेठालाल एक रन लेने के लिए दौड़ पड़े हैं और वहां पर बॉल रोशन बाबी के पास है। रोशन बाबी ने ये थ्रो किया, ये थ्रो नहीं, ओवर थ्रो है और इसी के साथ उन्होंने 2 रन ले लिए हैं। जीपीएल 3 की ट्रॉफी के विनर है जेठा के जाबाज। फैसला हो चुका है दर्शकों, जीपीएल 3 के विनर है जेठा के जाबाज और सोने की चेन के हकदार भी है जेठा के जाबाज। दर्शकों में काफी रोमांच और उत्साह और जीपीएल 3 का निर्णय इस आखिरी गेंद के साथ हो चुका है। इस बार जेठा की जाबाज की टीम कितनी ज्यादा खुश है, पूरी टीम मैदान पे आकर नाच रही है। अरे क्यों ना नाचे चेरी जी, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी यहाँ से कूद जाऊँ और उनके साथ नाचने लगूँ। इतना बड़ा टारगेट फेस करके जेठा के जाबाज ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। कमाल का क्षण इस वक्त गोरेगांव के गोकुलधाम मैदान में देख रहे हैं दर्शकों आप, खुशी का माहौल छाया हुआ है। मेहता के मारथियों ने भी एक जबरदस्त पारी का प्रदर्शन किया, जबरदस्त कंपटीशन दी एंड बोथ द टीम्स डिजर्व अ वेरी 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 बिग हैंड। मजा आ गया, ऐतिहासिक मैच जीपीएल के इतिहास में गोकुलधाम में दर्शकों आज आपने देखा है। एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनिए। अरे अभी कुछ भिड़े ने ऑब्जेक्शन लिया है। देखिए आप लोग मैच नहीं जीते हैं। क्या भाई क्या बोल रहे, क्यों नहीं जीते? ये रन नहीं गिने जा सकते। अरे क्यों नहीं गिना जा सकता? क्योंकि बॉल चाचा जी की धोती में अटक गया था और इन्होंने बताया नहीं और वैसे रन के लिए भागे। ये बताया नहीं भाई, मुझे खुद को ही नहीं पता था कि बॉल मेरी धोती में अटक गया है, तो मैं कैसे पता था? हाँ बराबर है। और जी वो हम कुछ नहीं जानते, और पिडू एकदम सही कह रहा है, रन नहीं गिने जाएंगे तो रन नहीं गिने जाएंगे। अरे ऐसा थोड़ी होता है। शायद मुझे लगता है कि मैच रुका हुआ है, अभी तक फैसला नहीं आया है। हम लोग आपस में क्यों बहस कर रहे हैं? हमारे पास एक आदमी है ना जो हमें बताएगा कि मैच कौन जीता है। कौन? अंपायर हमें बताएगा कि आप जीते हैं हम जीते हैं। ये क्या हो गया अंपायर को? अरे बाप रे, अंपायर को क्या हुआ? अरे ये अंपायर सब को क्या हो गया? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, फील्ड पर कुछ गड़बड़ नजर आ रही है और ये ऐसा लग रहा है कि अंपायर साहब बेहोश से हो गए हैं। सारे खिलाड़ी अंपायर की ओर दौड़े हैं। कोई हाथ तो पकड़ाइए। और अब ऐसा लग रहा है कि मैच का रिजल्ट जो है वो रुक सा गया है। कमर पे जोर आ रहा है। कोई सॉरी 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 छोड़ गई। आराम से संभाल के देखिए देखिए क्या हुआ। अरे बहुत थक गया हूँ, नाड़ी तो ठीक चल रही है। ये तो बिल्कुल ठीक है, नाड़ी बिल्कुल सही चल रही है।
तो फिर ये बेहोश कैसे हो गए डॉक्टर आदमी? सबसे तो बेहोश थे, बेहोश कैसे हो गए? हो सकता है इतनी देर से खड़े हैं, पानी भी नहीं पिया, शायद शुगर लेवल थोड़ा कम हो गया हो। लगता है बारिश आएगी। एक काम करते हैं, हम सब क्लब हाउस में जाते हैं, अंपायर को भी वहीं ले लेते हैं, वहाँ जगाएंगे उनको, ठीक है? पर इसी के साथ मैच में एक और ट्विस्ट आ चुका है। बारिश की वजह से सभी लोग अंपायर को क्लब हाउस लेके जा रहे हैं। तो आइए आसिफ भाई, हम लोग भी चलते हैं क्लब हाउस की तरफ मैच का आगे का फैसला जानने के लिए। मैच का फैसला वापस रुक गया, पता नहीं ये चेन किसके नसीब में है, मेरा चेन ही चला गया है। वो तो उठते वही बोलेंगे कि तुम लोग जीत गए। नहीं नहीं बाबू, था हर पता नहीं मुश्किल है ना बापू जी। आदि भाई क्या लगता है और कितना टाइम लगेगा इनको होश में आने के लिए? हाँ डॉक्टर हाथी, अगर अंपायर को होश नहीं आया तो पता कैसे चलेगा कि मेहता के महारथी जीते या जेठा के जाबर? अरे भाई आप लोग शांत हो जाइए, अंपायर साहब का बीपी हाई हो गया था इसलिए ये बेहोश हो गए। ब्रेकिंग न्यूज़, जीपीएल 3 के इस मैच का फैसला करने वाले अंपायर खुद ही बेहोश हो चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस मैच का फैसला कौन करेगा और कौन बताएगा कि आखिर जीत किसकी हुई है? दर्शकों, GPL 3 का रिजल्ट एक रुका हुआ फैसला बनकर रह गया है और अब जब तक हमारे अंपायर होश में नहीं आएंगे तब तक इस मैच के रिजल्ट का सस्पेंस किसी को भी पता नहीं चलेगा। तो आप कहीं मत जाइए, कल तक पर बने रहिए और देखते हैं कि ये अंपायर होश में कैसे और कब आते हैं। देखते रहिए। अरे हाथीड़ा, एक काम करे, इसके चेहरे पे थोड़ा पानी डाले, हो सकता है इसे होश आ जाए। हाँ, सही बात है चाचा जी, मैं भी यही सोच रहा था। बापू जी, बापू जी बहुत बढ़िया था, बुजुर्ग लोग के पास कुछ ना कुछ ऐसे होता ही है। तोड़ छोटी पानी भाभी, मैंने पानी छिड़कने को बोला था, नहलाने को नहीं बोला था, ये तो नहा के आए होंगे घर से। अरे होश आ गया अंपायर को, होश आ गया। मुबारक हो दर्शकों, हमारे अंपायर साहब को होश आ गया है। अरे चिंता में डाल दिया था आपने, तो है ना। मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ मतलब क्या अंपायर साहब? आप ये देख, इतना ज्यादा पानी डाल दिया, इनकी याददाश्त चली गई। भगवती जी, ये मैंने क्या कर दिया? मेरी वजह से अंपायर भाई की याददाश्त चली गई। तो देखा आप लोगों ने, दोनों टीम को जबरदस्त झटका। अंपायर साहब अपनी याददाश्त खो बैठे। नहीं, ये तो आपका काम है, आपको ही बोलना पड़ेगा। बोलिए बोलिए, कर लो। हाँ प्लीज प्लीज, थैंक यू। तो बने रहिए कल तक पर और देखते हैं क्या होगा एम्पायर का। आतिफ भाई अभी क्या करें? अभी करना क्या है, फिर से 10-10 ओवर की मैच खेलनी पड़ेगी। जैसे अब बैटिंग में पहले मैं जाऊंगा। अरे लेकिन बापू जी फिर से क्यों खेले जब हम मैच जीत चुके हैं? अरे ऐसे कैसे जीत गए जेठालाल, तुम खुद ही फैसला कर लोगे कि मैच तुम जीतो। अरे भाई अंपायर फैसला करेंगे कि मैच तुम जीतो कि मैच हम जीते। ऐसा के महारथी, आप अंपायर तो भाई याददाश्त खो चुका है ना, तो कौन नक्की करेगा? अरे याददाश्त चली गई है तो क्या भाई, याददाश्त वापस लेके आएंगे, लेकिन तुम फैसला नहीं करोगे, फैसला अंपायर करेगा। क्रिकेट का एक्सपर्ट बोला इधर, और उनको बोला कि लास्ट बॉल में ऐसा ऐसा हुआ है, फिर वो निर्णय लेंगे कि कौन जीता, निर्णय यही लेंगे कि हम जीते। Yeah.
हाथी भाई कुछ कीजिए, हाथी भाई अंपायर को इंजेक्शन दीजिए, गोली दीजिए, टेबलेट दीजिए, जो देना हो दीजिए, लेकिन याददाश्त वापस लेके आइए। और हाँ, इस वक्त आप जेठा के जाबाज की तरह नहीं, एक डॉक्टर बन के सोचिए। आपके सामने एक मरीज है अंपायर ने, उसकी याददाश्त लाना बहुत जरूरी है हाथी भाई। अरे भाई आप शांत हो जाइए वरना मैं भी अपनी याददाश्त खो बैठूंगा। मैं पूछता हूँ एम्पायर साहब, आप गोकुल धाम सोसाइटी में आए हैं, आप GPL 3 के मैच के एम्पायर हैं, हमारी दो टीमें हैं, मैं जेठा के जबाज की टीम में हूँ, मेहता साहब की अलग टीम है, आपको कुछ याद आया? मैच मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा, जेठा के जाबाज का कैप्टन। अंपायर साहब मेरी तरफ देखिए, मैं तारक मेहता, मेहता के मारथी का कैप्टन, याद आया कुछ? मैं पहचानिए मुझे, याद कर भाई। आप ऐसे, हाँ याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। मैच के लास्ट बॉल को देख के मैं एक्साइटमेंट में बेहोश हो गया। अनबिलीवेबल, आपने देखा, क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई अंपायर खुद एक्साइटमेंट से बेहोश हो गया हो। और दर्शकों, ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस चेरी जी। आप क्यों अटक गया, बोलिए। देखते रहिए रीटा रिपोर्टर के साथ कल तक। अंपायर साहब आप क्या बेहोश हो गए, हमारे तो अरमानों के होश उड़ गए, पता ही नहीं चल रहा कि मैच कौन जीता कौन हारा। भगवान का शुक्र है कि आपको होश आ गया। अब याद कीजिए कि जो आखिरी बॉल पे चंपक चाचा ने दो रन लिए थे, जो भागे थे, वो दो रन वैलिड होंगे या नहीं होंगे, वो काउंट किए जाएंगे या नहीं, ताकि पता चले कि मेहता के भारत ही जीते या जेठा के जाबाज। प्लीज जल्दी बताइए, मेरी ऑडियंस भी कब से इंतजार कर रही है। लास्ट बॉल, याद आ गया, मुझे याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। एक मिनट, आप लोग शांत हो जाइए, सोडी आराम से। अंपायर को अपना निर्णय बताने दीजिए कि आखिर क्या फैसला किया उन्होंने, आखिरी बॉल पे क्या हुआ था, बताइए। देखिए, चाचा जी का बैट बॉल को टच हुआ था और क्रिकेट के रूल के हिसाब से चाचा जी ने बॉल को हाथ नहीं लगाया, इसलिए वो दो रन गिने जाएंगे और जीत जेठा के जाबाज की हुई है। तो फैसला हो चुका है, जीत चुके हैं जेठा के जाबाज। मैंने भी यही बोला था ना। वो तो मैंने जस्ट ऐसे रिपीट कर दिया, अगर कोई लेट आया हो या किसी को आपकी बात समझ में ना आई हो, तो इसलिए जस्ट आपका काम आसान कर दिया। थैंक यू, अब मेरा काम मैं कर लूं। हाँ प्लीज प्लीज। अब है जश्न की बारी, कहीं मत जाइए, देखते रहिए कल तक रीटा रिपोर्टर के साथ। और मैं हूँ पत्रकार गोपाललाल खूबसूरत चेहरे के। हम जीत चुके हैं, जीत गए भाई, जीत गए, जीत गए भाई, जीत गए, जीत गए भाई, जीत गए। स्वीकार करना सीखो। अरे इसमें
जगत की क्या बात है, तुम लोगों ने जीत की खुशी में अंधेरा कर दिया भाई। सचमुच आप सब ने बहुत बढ़िया मैच खेला और फुल ऑन एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट में मेहता के महारथी की टीम की मैं खास तारीफ करना चाहती हूँ, क्योंकि आखिरी बॉल और आखिरी पल तक उन्होंने जीत की उम्मीद नहीं छोड़ी। थैंक यू, थैंक यू सो मच विद्या जी, थैंक यू, वी ट्राइड आवर बेस्ट। और दया भाभी, आपकी गरबा बॉलिंग जबरदस्त थी। थैंक यू। बबीता, खूब 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 बालों में रन ओवर डाला। बांग्ला बांग्ला जानी। टप्पू, क्या कैच पकड़ा, ब्रिलियंट। सो मच, थैंक यू। होता किसका है? सॉरी गोली, तुमने कितने सारे चौके छोड़े। हाँ, और हाथी भाई और सोढ़ी भाई, कितने गजब के छक्के मारे आप लोगों ने। सुपर टैलेंटेड, सुपर लेडी स्टार ऑफ बॉलीवुड अजीत, थैंक यू, थैंक यू। चंपक चाचा जी, आपने अफलातून विनिंग शॉट मारा, गजब, शुक्रिया, मजा आ गया। पप्पू जी और जेठालाल जी, आपने सच में कैप्टन की पारी खेली, वेरी गुड, अमेजिंग, सभी ने बहुत अच्छा खेला, वेरी वेल प्लेड। हिंदी फिल्मों की मशहूर और बेहतरीन अभिनेत्री विद्या बालन जी गोकुलधाम सोसाइटी में आप पहुंची हैं जीपीएल 3 के जीत का जश्न मनाने के लिए, और विद्या बालन जी के आते यहां पे उमंग, आनंद, उत्साह, खुशी और सेलिब्रेशन का माहौल है। अब देखना यह है कि हम गोकुलधाम निवासी किस तरह से विद्या बालन के साथ खूब धूम धमाल और मस्ती करते हैं। मस्ती तो होगी, बहुत सारे ठहाके भी होंगे, और हाँ, जेठा के जाबाज जिस सोने की चेन का इंतजार कर रहे हैं, उसका क्या होगा, मिलेगी या नहीं, ये सब जानने के लिए देखना होगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा अगला एपिसोड। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।